आईजीटी रेगुलेटर्स के कई फायदे हैं। पहले तो ये सिंगल यूनिट रेगुलेटर है जिसमें कोई जोड़ या एक्सटेंशन नहीं है। रेगुलेटर लगाने से पहले हमेशा गैस सिलेंडर की वाल्व गैस्केट की जांच करें। अगर रेगुलेटर ठीक से फिट नहीं हो रहा और गैस्केट या गैस वाल्व में कुछ खराबी है तो सिलेंडर को बदल दें। एक बार जो आपके पास सही सिलेंडर आ जाता है तो रेगुलेटर लगाना बहुत ही आसान है। उसे बस दबा के सेट करिए। गैस पाइप का दूसरा कोना अपने गैस स्टोव में अच्छे से लगाएं। क्लैंप लगाने से गैस पाइप मजबूती से स्टोव में लग जाती है। पाइप को फिर चेक करें कि उसमें कोई ड्राई क्रैक्स या कट ना हो। आईजीटी रेगुलेटर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें इनबिल्ट मैनोमीटर है, जो अगर पाइप में कुछ डैमेज या कट हो तो ये गैस सप्लाई अपने आप बंद कर देता है। इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि जैसे ही रेगुलेटर का नॉब ऑन किया और पाइप में गैस सप्लाई शुरू हुई, तब मैनोमीटर की सुई हरे इंडिकेटर पर रुक जाती है। अब नॉब को बंद करने के बाद गैस रेगुलेटर और स्टोव के बीच में रुक जाती है। अब अगर मैनोमीटर की सुई हरे पर ही रहती है, मतलब गैस पाइप में कोई छेद नहीं है। अगर मैनोमीटर की सुई नीचे उतर जाती है, इसका मतलब पाइप में छेद है और जल्द से जल्द पाइप को बदल देना चाहिए। इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में अब हम देख सकते हैं कि गैस पाइप से एक बड़ा लीक दिया गया है। आईजीटी टेक्नोलॉजी एक क्षण में इस गैस लीक को डिटेक्ट करके गैस सप्लाई को बंद कर देता है। इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि चलती गैस में अगर पाइप कट या डिटैच हो जाए तो आईजीटी रेगुलेटर सेंसर एक क्षण में गैस सप्लाई बंद कर देता है। जैसे ही पाइप को हम स्टोव से दोबारा जोड़ते हैं, रेगुलेटर के नीचे रीसेट वाल्व बटन दबाने से गैस सप्लाई फिर चालू हो जाती है। अपने परिवार और आसपास की जगहों को आग की दुर्घटना से बचाइए। आईजीटी रेगुलेटर इंस्टॉल करिए।